गोपियां, वहां पर कृष्ण ही एक पुरुष है और कोई पुरुष है ही नहीं। तब उन्होंने जब तक पौर्णमासी के आदेश नहीं होना, ये ब्रज लीला में कोई प्रवेश नहीं कर सकते। पौर्णमासी की आदेश होनी चाहिए, है पौर्णमासी का आदेश बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकते है। इन पौर्णमासी को पास में गए, पौर्णमासी ने कहा देखो ये पुरुष शरीर से आप रासलीला दर्शन नहीं कर सकते हो, आपको स्त्री बनना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले जाओ ये ब्रह्म कुंड में स्नान करो। शंकर जी ये ब्रह्म कुंड में स्नान करते ही बड़े सुंदर एक गोपी बन गए। अभी उनको ईशान कोने में बैठा दिया। बोले यहीं से आप रासलीला दर्शन करते रहो। लेकिन कृष्ण सर्वंतर हम सब जानते हैं। बोले आज रासलीला में कुछ आनंद नहीं आ रहा है, लगता है कोई अनधिकारी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश किया है। अभी गोपियों ने ढूंढने लगे, बोले भैया यहाँ पर कौन है अनधिकारी। ढूंढते उन्होंने कुंज में एक नई गोपी को देखा। बोले तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन तो गोपी नहीं, वो गोप है। वो गोपी नहीं, वो तो गोप शंकर जी। वो शंकर जी तो कुछ बोल नहीं पाए। बोले तुम्हारी पति का नाम क्या है? लेकिन वो तो उसको पति नहीं गोपी की, वो तो पुरुष स्त्री बने। बोले तेरे सास का नाम क्या है? तेरे ससुर का नाम क्या है? कौन सा गांव में तुम्हारी जन्म हुआ है? शंकर चुप। वो समझ गए यही अनधिकारी व्यक्ति घुस गए। फिर उन्होंने शंकर जी की चोटी को पकड़ करके उन्होंने वहां से निकाले हैं और मारने लग गए। तुम यहाँ कैसे घुस गए हो? गुलचा मारने लग गए। इतने में शंकर जी पौर्णमासी को पुकारे, इतने में पौर्णमासी आ गए। तब पौर्णमासी ने इतने में कृष्ण भी आए। बोले शंकर जी तुम ये क्या, ये गोपी बनकर तुम क्यों आए? बोले प्रभु तुमने बंसुरी बजाई तो बंसुधुनी ये कैलाश में भी पहुंचा, मेरे मन में भी इच्छा हुआ मैं भी थोड़ा रास दर्शन करूं। तब कृष्ण ने कहा देखो शंकर जी, आपने तो ये शरीर को पुरुष से स्त्री बना दिया, अभी भी आपका हृदय में ये गोपियों की भाव नहीं है। जब तक ये गोपी भाव नहीं होगा, गोपी गृह में जन्म नहीं होगा, गोपियों की अनुगत नहीं करोगे, ये रास में केवल गोपियों का ही अधिकार और किसी के अधिकार नहीं। ठीक है, तुमने गोपी धर्म बंद करके आए हो, आज से यहाँ पर तुम क्षेत्रपाल रूप में तुम्हारी पूजा होगी। यहाँ पर श्री गोपीश्वर महादेव रूप में तुम्हारी पूजा होगा। अगर कोई वृंदावन में आएगा, जब तक तुम्हारी आदेश को नहीं ले तब तक ये वृंदावन में उसका प्रवेश नहीं। इसलिए यहाँ आओ तो जरूर श्री गोपीश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए। गोपीश्वर का दर्शन करके फिर तो वृंदावन में प्रवेश होता है। इसलिए यही पर शंकर जी गोपी बने शिक्षा दिए, कृष्ण लीला कोई साधारण लीला नहीं, रास लीला कोई साधारण लीला नहीं। जहाँ शंकर भी, जिस लीला में शंकर भी प्रवेश करने के लिए गोपी बने लेकिन दर्शन नहीं हुआ उनकी, शंकर जी को दिव्य लीला दर्शन नहीं हुई, कोशिश कर रहे थे वहां से निकाल दी गए। मतलब प्रभु का लीला इतने दुर्लभ, रास लीला इतने दुर्लभ लीला है। बोले श्री गोपीश्वर महादेव की, बोले श्री ब्रह्मा कुंड की, गौर प्रेमानंद हरी हरी बोल।